प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव मनाने जवानों के बीच पहुंच गए हैं करगिल। जहां सुबह सवेरे सबको चौंकाते हुए देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से दिवाली के इस खास मौके पर जवानों के बीच पहुंच गए और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। कल तक किसी को जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल में होंगे, लेकिन अचानक सुबह आज पहुंच गए। और ये सिलसिला 2014 से ही शुरू हो गया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे। हर साल अनवरत वो दीपावली अपने जवानों के बीच, देश के जो योद्धा हैं हमारे वीर बहादुर, फौजियों के बीच ही मनाते हैं। और एक बार फिर से उसी परंपरा को अपने निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी करगिल पहुंच गए हैं। और ये तस्वीर आई है जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो अभी की आज की तस्वीर है 24 अक्टूबर की, वो करगिल में जवानों के साथ पीएम। उसके बाद से और 8 तस्वीरें। शुरुआत कहां से? 2014 सियाचिन से। उसके बाद से अगले साल खासा बॉर्डर पहुंच जाते हैं 2015 में। 2016 में देखिए वो पहुंच जाते हैं चीनी बॉर्डर, हिमाचल गुरेज सेक्टर पहुंच जाते हैं अगले साल यानी 2017 में। वहीं 2018-19-20-21 की ये तस्वीरें जहां हर्षिल, राजौरी, जैसलमेर में उनकी मौजूदगी होती है जवानों के बीच। और आज करगिल में पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है देश की आर्मी के लिए। आर्मी के जवान जो हमारे हैं, जो सीमा प्रहरी हैं, जो अपने परिवार से दूर जिनकी मौजूदगी होती है, और वहां पर अगर प्रधानमंत्री पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं इस खास मौके पर, दिवाली जैसे बड़े त्यौहार पर, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, ना सिर्फ देश के लिए, अपनी सेना के लिए, कि देश का प्रधान सेवक आपके साथ खड़ा है। और इस खास मौके पर मौजूदगी दीपावली पर वो मिठाई खा रहे हैं और खिला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो 24 अक्टूबर यानी आज दीपावली के मौके पर करगिल में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वीर बहादुर जवानों के साथ। और कल पीएम गए थे अयोध्या। देखिए दो दिनों में किस तरह से इनका दो बड़ा दौरा, पहले छोटी दीपावली पर अयोध्या में उनकी मौजूदगी, दीपोत्सव कार्यक्रम में शरीक हुए, आतिशबाजी भी देखी, किस तरह से वहां पर पूजन दर्शन किए, और आज अभी सुबह करगिल में जवानों के साथ दीपावली मनाने पहुंच गए हैं। जी हां, करगिल के जो बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है वहां पर उनका जो विमान लैंड किया, वहां से चॉपर के जरिए वो पहुंच गए जवानों के बीच, और रिसीव करते हुए थल सेना अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद हैं और तमाम जो कमांडर्स हैं उनकी मौजूदगी है। और दोनों तस्वीरों में आपको पोशाक भी बदली हुई नजर आएगी, जैसा मौका उसी परंपरा के हिसाब से पीएम मोदी अपना गेटअप भी करते हैं। कल चूंकि अयोध्या में गए थे, वहां पर पूजा और कार्यक्रम में शामिल जब थे, तो उनकी पोशाक बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशनल, और आज मिलिट्री वाले बिल्कुल लुक में नजर आ रहे हैं, चश्मा गॉगल्स लगाए हुए हैं। देखिए प्रधानमंत्री की जो दिवाली है जवानों संग, 2016 चीनी बॉर्डर हिमाचल में उनकी मौजूदगी थी, 2014 से यह सिलसिला शुरू हुआ, 2017 में कहां गए थे, गुरेज गए थे और वहां पर जोश बढ़ाया था जवानों का। 2018 हर्षिल पहुंच गए थे पीएम मोदी, 2019 राजौरी में मौजूदगी थी उनकी, और वहीं अगर 2020 की बात कर लें तो राजस्थान जैसलमेर बॉर्डर पर वो पहुंचे हुए थे और वहां से भी सीमा बहुत पास है। 2021 नौशेरा सेक्टर में गए हुए थे। तो ये लगातार तस्वीरें आप सभी को हम दिखा रहे हैं। जो बड़ी वाली तस्वीर है, जो पहली तस्वीर है, वो आज की है, थोड़ी देर पहले की, करगिल में जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दीपावली के मौके पर। तो हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप सभी दर्शकों को हम सबसे पहले साझा कर रहे हैं, आज तक की नजर लगातार। लेकिन इसके पहले, क्योंकि हमेशा से चौंकाते, ये उम्मीद की जा रही थी जरूर कि प्रधानमंत्री जवानों के बीच दीपावली मना सकते हैं, लेकिन कोई भी श्योर नहीं था कि जगह कौन सी होगी। लेकिन अब सुबह ही पहले ट्वीट करते हैं, देश को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं दिवाली के इस खास मौके पर, और थोड़ी देर के बाद वो लैंड करते हैं करगिल में जवानों के बीच दीपावली के इस मौके पर। तो 2014 से लेकर 2022 तक, यानी कि लगातार 9 साल, आप देखिए किस तरह से दीपावली के इस खास मौके पर अपनी उपस्थिति जवानों के बीच वो रखते हैं। तो निश्चित तौर पर ये देश के लिए, सेना के लिए, हमारे जो सेना के फौजी, हमारे जो वीर बहादुर जवान हैं, जो देश की सरहद की निगरानी करते हैं, हिफाजत करते हैं, परिवार से दूर होकर, लेकिन उनको, उनकी हौसला अफजाई के लिए पीएम, देश के प्रधान सेवक खुद पहुंच जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, खास मैसेज है। तो दीपोत्सव का यह जश्न है, करगिल में जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, जवानों का हौसला बढ़ाने करगिल पहुंच गए हैं पीएम। और ये तस्वीर आई हुई है, देखिए
और चेहरे पर प्रसन्नता लिए हुए पहुंचे हुए थल सेना अध्यक्ष से जानकारी भी और बातचीत करते हुए तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद, तमाम कमांडर्स मौजूद हैं। तो जो 9 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं 2014 से इसका सिलसिला शुरू होता है, एक बार फिर से देख लीजिए 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और आज 2022 सियाचिन से ये शुरुआत। अब ज्यादा जानकारी के लिए आपको हम लिए चलते हैं घाटी, अशरफानी वहां से लगातार जानकारी हमें और आप सभी दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशरफ, अभी क्या कुछ हलचल, क्या तैयारी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हुए हैं दीपावली के इस खास मौके पर जवानों के बीच, तो अब आगे का शेड्यूल भी क्या है, अपडेट क्या आपके पास? आशुतोष, काफी जैसे आपने कहा कि ये चौंकाने वाली एक सरप्राइज था, खासतौर से न सिर्फ करगिल में तैनात सेना के हजारों जवानों के लिए बल्कि करगिल के स्थानीय लोगों के लिए भी। आज सुबह जब करगिल में खबर मिली लोगों को कि प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं, जब उनके कानों कान खबर नहीं थी, तो उस बीच काफी उत्साह सा माहौल वहां बना हुआ है, जो हमें सूत्रों से वहां से जानकारी मिल रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि 9:20 पर एक छोटे से एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री लैंड करते हैं दो तीन लोगों के साथ, जिसमें सेना के वहां के स्थानीय कमांडर उनके इंतजार में थे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए 8 Mountain Dew जो है मुख्यालय सेना का, जो तैनाती है सेना की खासतौर से न सिर्फ करगिल में बल्कि द्रास और उसके आसपास इलाकों में, ये काफी दुर्गम इलाका है और ये सुर्खियों में करगिल युद्ध के बाद ही आया था 1999 में। 1999 तक इन करगिल की इन चोटियों पर सेना की तैनाती सर्दियों में खासतौर से नहीं होती थी, काफी दुर्गम इलाके हैं, क्योंकि अगर आज की भी तापमान की बात करें, रात में 0 से नीचे तापमान करगिल में भी जाता है, और अगर आसपास उन इलाकों की बात करें जहां पर सेना की तैनाती है, हमारे सेना के जवान हैं, वहां पर तापमान आज के दिन भी -5 तक जाता है और आने वाले दिनों में ये -20 से -40 डिग्री तक पहुंच जाता है, खासतौर से द्रास तक के इलाकों में। तो काफी उत्साह भरा माहौल है जवानों के बीच में, और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है सेना के जवानों से एक एक करके बात करेंगे, उनसे मिठाई बांटेंगे।